निमा जी, उषा झा जी, टोक जी, भाइयों बहनों, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस हॉल में महिला उद्योग के कार्यक्रम को देखते हुए। जब हम लोग इस हॉल को बना रहे थे, ज्ञान भवन को और बगल में बापू सभागार को, तो मैं हम लोग की कल्पना थी कि गांधी मैदान में लगाना पड़ता है लोगों को इस तरह का कार्यक्रम, मेला इस तरह के गांधी मैदान में होते हैं, जहाँ धूल, प्रकृति की समस्या, मान लो बारिश हो जाए, काफ़ी दिक्कत होती है। एक पटना में भी एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे मेला लगाया जा सके, बड़ा कार्यक्रम किया जा सके। और आपको तो अब इस परिसर में लगभग 10,000 आदमी के एक्टिविटी का प्रावधान किया हुआ, अब 5,000 लोगों का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना हुआ है बापू सभागार, और इस ज्ञान भवन में तो आप लोग जिस जगह पे हैं ये करीब 2,500 लोगों के लिए है, उसके ऊपर भी 2-3 ऑडिटोरियम है, एक 800 का है और बाकी 300 के। तो आप कितना भी बड़ा एक्टिविटी करना चाहिए तो पटना में एक जगह में, सेंट्रल जगह में, जहाँ लोग आसानी से आ सकें, जहाँ पार्किंग की सुविधा हो, ऐसा जगह बने। तो महिला उद्योग संघ का जो ये कार्यक्रम है, ये इसका बिल्कुल सही सदुपयोग है, और मुझे बताया गया है कि काफ़ी अच्छी बिक्री भी हुई है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है, ये हर साल बढ़े मेरी इच्छा है। मैं तो चाहता हूँ कि केवल पटना के नहीं, पूरे बिहार के जो महिला उद्यमी है वो यहाँ आए, उनको यहाँ मौका मिले, जो मुजफ्फरपुर में काम करती है, गया में, भागलपुर में, उनको भी मौका मिले, और उनको इस तरह का पर जब मेला में पता चलता है कि लोग क्या कर रहे हैं, तो एक दूसरे से सीखने का, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आगे बढ़ें, बहुत धन्यवाद।